भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें शुभ मुहूर्त देख करके अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र मानती है और रक्षाबंधन का महापर्व सभी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन रहेगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि का आरंभ सुबह 10:59 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन सुबह 10:59 से भद्रा लग जाएगी, जो कि रात को 9:02 पर समाप्त होगी। अब सभी के मन में यह सवाल आता है कि रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 30 अगस्त को मनाएं अथवा 31 अगस्त को मनाएं। भविष्योत्तर पुराण में मदन रत्न में यह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही बताया है। इसमें लिखा हुआ है कि परान्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह दो दिन हो तो दोनों ही दिन न हो तो पूर्वा लेनी चाहिए। यदि पहले दिन भद्रा हो तो उसका परित्याग करें। भद्रा में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी, दूसरा होता है फाल्गुनी, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। अब शास्त्र की बात करी जाए तो परान्न व्यापिनी जो पूर्णिमा तिथि है वो 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन है। चूंकि इस दिन सुबह 10:59 से भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, भद्रा लग जाएगी जो कि रात को 9:02 तक रहेगी। ऐसे में भद्रा के समय आपको राखी नहीं बांधना है, रक्षा सूत्र का बंधन नहीं करना है। तो राखी बांधने का जो सर्वोत्तम मुहूर्त सभी विद्वानों ने बताया है वो रात को 9:02 के बाद ही आरंभ होगा। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि रात्रि काल में कई लोग राखी बांधना अच्छा नहीं मानते हैं और रात्रि काल में उनको रक्षाबंधन पर्व मनाने में सुविधा नहीं होती है। ऐसे में क्या हम 31 तारीख की सुबह रक्षाबंधन कर सकते हैं क्या? तो मदन रत्न ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि कभी भी त्रिमुहूर्त से यदि पूर्णिमा तिथि कम हो तो ऐसे समय में रक्षाबंधन का महापर्व नहीं मनाया जा सकता है, लेकिन अन्य किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसलिए आप चाहें तो सूर्योदय को स्पर्श करने वाली जो पूर्णिमा है, क्योंकि 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 5:56 पर सूर्योदय हो जाएगा और सूर्योदय को पूर्णिमा स्पर्श करेगी, यानी सूर्योदय व्यापिनी यदि पूर्णिमा हम देखें, क्योंकि इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा सभी पंचांगों में सभी शास्त्रों में बताई गई है। तो यदि आप शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन करना चाहते हैं, शुभ समय में राखी बांधना चाहते हैं, तो आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार की सुबह 5:56 से लेकर के 7:06 यानी 1 घंटा की जो अवधि है वो सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे तो रात का जो मुहूर्त है वो भी सही है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि रात में राखी नहीं बांधना चाहिए। सभी ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि प्रदोष काल के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाए उस समय रक्षाबंधन करना चाहिए। इसलिए यदि आप चाहें तो 30 अगस्त 2023 बुधवार की रात को 9:02 के बाद भी राखी बांध सकते हैं। और यदि आपको 30 तारीख को सुविधा नहीं है, रात्रि में आप नहीं बांधना चाहते हैं, तो आप 31 अगस्त की सुबह 5:56 से लेकर के 7:06 के बीच में
सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य को, अपने प्रभु को पूजा करने के बाद राखी चढ़ा देवे और शगुन की राखी किसी एक व्यक्ति को बांध देवे। इसके बाद आपका राखी बांधने का क्रम पूरे दिन चलेगा, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो जन्माष्टमी तक निरंतर राखी बांधने की परंपरा है। ऐसे में यदि आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन पूरा दिन राखी बांधना चाहते हैं, राखी मनाना चाहते हैं, कोई दोष नहीं, बिल्कुल भी घबराने की, डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के गुरुवार के दिन शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। तो यदि आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन राखी बांधना चाहते हैं तो इस दिन जो सर्वोत्तम समय है सुबह 5:56 से लेकर के 7:06 का, उसके बाद जो अगला समय शुरू होगा वो शुरू होगा सुबह 6 से 7:30 का, शुभ का चौघड़िया है। और उसके बाद का यदि हम समय देखते हैं तो सुबह 10:30 से 12:30 तक ये सामान्य मुहूर्त रहेगा, जिसे चर का चौघड़िया कहा जाता है। उसके बाद 12:12 से 1:30 तक लाभ का चौघड़िया रहेगा तथा 1:30 से 3:00 तक अमृत का चौघड़िया रहेगा। और उसके बाद शाम के समय 4:30 से 6:00 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। यदि आप प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना चाहते हैं, शाम के समय 31 तारीख को रक्षाबंधन करना चाहते हैं तो शाम को 6:00 से 9:00 तक भी आप राखी बांध सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कई स्थानों पर श्रवण पूजा का विधान है, क्योंकि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार, जो कि उनकी दिन रात सेवा करता था, एक बार रात्रि के समय जल लाने को गया। वहीं कहीं हिरण की ताक में राजा दशरथ जी छिपे हुए थे। उन्होंने जल से घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझ करके बाण छोड़ दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। यह सुनकर के उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। तब राजा दशरथ जी ने उनको आश्वासन दिया था और अपने अज्ञान में किए हुए अपराध की क्षमा याचना करके श्रावणी पूर्णिमा के दिन, यानी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्रवण कुमार की पूजा का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया। उस दिन से संपूर्ण सनातनी श्रवण कुमार की पूजा करते हैं। उक्त रक्षा सर्वप्रथम उन्हीं को अर्पण की जाती है। तो यदि आप पूर्णिमा के दिन श्रवण कुमार का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो इसमें आपको भद्रा काल देखने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य आप 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से आपको भयभीत होने की, डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुधवार के दिन यानी 30 अगस्त को 10:59 से श्रावणी पूर्णिमा लग जाएगी और उसके बाद हेमाद्री कर्म, उपाकर्म, यज्ञोपवीत संस्कार जो ब्राह्मण देवता आयोजित करते हैं वो भी संपन्न कर सकते हैं। यानी उपाकर्म श्रावणी कार्य जो है वो भी 30 अगस्त को कर सकते हैं। श्रवण कुमार का पूजन भी आप कर सकते हैं। उनके पूजन में किसी भी प्रकार का भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। हाँ, एक और बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि श्रवण नक्षत्र देख करके आप हेमाद्री संस्कार करते हैं, उपाकर्म करते हैं, तो आप 29 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन भी श्रावणी कर्म कर सकते हैं, उपाकर्म का आयोजन कर सकते हैं। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनके लिए दशविधि स्नान, ऋषि पूजन, ऋषि का तर्पण और यज्ञोपवीत परिवर्तन, ये सारा विधान संपन्न किया जाता है। तो 29 तारीख को श्रवण नक्षत्र रात को 11:18 पर समाप्त होगा। उसके पहले पहले आप कभी भी श्रावणी कर्म, उपाकर्म, हेमाद्री कर्म कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप श्रावणी पूर्णिमा यानी 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन भी सुबह 10:59 के बाद आप श्रावणी कर्म कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन भी
सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है। उस दिन प्रभु को राखी अर्पण करें और जो भी श्रावणी पूर्णिमा का विधान है वो आप संपन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में इस पूर्णिमा को कोई पूजन होता है, कोई भोजन का आयोजन करते हैं, सून जिमाने का कार्य करते हैं या अन्य कोई भी विधि आप संपन्न करना चाहते हैं, तो आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन जो सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है, प्रातःकालीन पूर्णिमा है, उसमें पूर्णिमा संबंधी सारे कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।